गूगल ने प्ले स्टोर से 8 क्रिप्टो करेंसी माइनिंग ऐप्स को रिमूव कर दिए हैं। और ये क्यों रिमूव किए हैं और आपको भी इनको क्यों अनइंस्टॉल कर देना चाहिए, ये जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। आप देख रहे हैं इन्फोहोप, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी क्रिप्टो करेंसी का ये टॉपिक इतना ऊपर है कि रोज़ कोई ना कोई न्यूज़ तो आते ही रहते हैं। और हाल ही में एक न्यूज़ आई थी कि एक बंदे ने $600 मिलियन के वर्थ का क्रिप्टो करेंसी चुरा लिया था और उसने वो वापस कर भी दिए थे। अगर आपको उसके बारे में वीडियो देखना है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, या फिर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे। लोग क्रिप्टो करेंसी में इतना इंटरेस्टेड हो गए हैं कि लोगों को अब बस क्रिप्टो करेंसी चाहिए कहीं से भी। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये इतना नॉलेज नहीं होता है कि वो उनको किस तरीके से पा सकते हैं, या फिर वो कोई भी वीडियो या फिर कोई भी न्यूज़ देख कर ये समझ लेते हैं कि ये बहुत ही आसान तरीका होता है इसको पाने का और वो लोग बहुत ही जल्द करोड़पति बन सकते हैं। और इसी का फ़ायदा उठाने के लिए साइबर क्रिमिनल्स जो है वो अपने फ़ायदे के लिए इनको यूज़ करते हैं। तो ये लोग बेसिकली ये करते हैं कि कुछ फेक वेबसाइट्स बनाते हैं, ऐप्स बनाते हैं या फिर सॉफ्टवेयर बनाते हैं और लोगों के बीच में वो पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और ये बोलते हैं कि इनसे आप क्रिप्टो करेंसी माइन कर सकते हो या फिर ऐसा ही कुछ कर सकते हो जिनसे आपको क्रिप्टो करेंसी मिलने वाले हैं। लेकिन इन ऐप से कुछ हकीकत में कोई भी क्रिप्टो करेंसी आप माइन नहीं कर सकते, बल्कि आपके खुद के फ़ोन का रिसोर्स यूज़ होता है बहुत सारा, और या फिर आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी इनके पास जा सकता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपके खुद के पैसे भी जा सकते हैं ये लालच में कि आपको और पैसे मिलेंगे। पहले तो मैं आपको उन 8 ऐप्स के नाम बता देता हूँ जो प्ले स्टोर से रिमूव हो गए हैं और जो ये दावा करते थे कि वो क्रिप्टो करेंसी माइन कर सकते हैं। तो उनके नाम है बिटकॉइन माइनर क्लाउड माइनिंग, बिटफंड्स क्रिप्टो क्लाउड माइनिंग, बिटकॉइन पूल माइनिंग क्लाउड वॉलेट, डेली बिटकॉइन रिवार्ड्स क्लाउड बेस्ड माइनिंग सिस्टम, क्रिप्टोहोलिक बिटकॉइन क्लाउड माइनिंग, बिटकॉइन 2021, माइन बिट प्रो क्रिप्टो क्लाउड माइनिंग एंड BTC माइनर, इथेरियम पूल माइनिंग क्लाउड। तो आपके फ़ोन में भी अगर इनमें से कोई भी ऐप इंस्टॉल्ड है तो आप उसको अनइंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि ये आपको कोई भी क्रिप्टो करेंसी माइन करके नहीं देने वाले हैं। तो यूजर्स को बेसिकली ये बताया जाता था कि ये ऐप क्लाउड माइनिंग पे काम करता है और आपको क्लाउड माइनिंग से जो क्रिप्टो करेंसीज है वो मिलने वाले हैं। और इन ऐप्स में आपको एड्स दिखते थे जो कि मतलब कोई सेंस नहीं बनता उसका कि आपको क्रिप्टो करेंसी माइनिंग करना है और आपको उसमें ऐड देखना पड़ रहा है। और कुछ ऐप्स तो ऐसे भी होते थे जिनमें सब्सक्रिप्शन थे, जिनमें आपको लगभग 1100 रुपये देने पड़ते थे सब्सक्रिप्शन के, और उसमें बोला जाता था कि आपको क्रिप्टो करेंसी मिलने वाला है क्लाउड माइनिंग के। तो इन ऐप से यूज़र को कोई फ़ायदा नहीं होता था, उनको ऐड देखने पड़ते थे, उनको सब्सक्रिप्शन में पैसे लगाने पड़ते थे, लेकिन आखिर में उनको कोई भी क्रिप्टो करेंसी नहीं मिलते थे। और जो क्रिमिनल्स है जो इन ऐप्स को बनाते थे उनको ही फ़ायदा होता था लोगों के टाइम और पैसे को लूट के। और अगर आपको पता लगाना है कि कोई ऐप फेक है या रियल है तो आप उस माइनिंग ऐप पे अपना कोई भी फेक बिटकॉइन का एड्रेस डाल दीजिए, फेक वॉलेट का एड्रेस डाल दीजिए। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो इसका मतलब वो ऐप फेक है, क्योंकि कोई भी रियल जो ऐप होगा, सॉफ्टवेयर होगा, वो कभी भी आपके फेक एड्रेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर वो फेक है तो ही एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा कि वो एड्रेस रियल डाला है या फेक डाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मैं ऐसा ही वीडियोस, गेम्स, रिव्यूज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन्फो, बाय।